लगातार दिन में पुलिस की जिम्मेदारी और रात में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे जहानाबाद के डीएसपी साहब देखे जा रहे हैं। लगातार रात के अंधेरे में ये लोगों के घर तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी। सर, आज कौन सा दिन है लगातार आप लोगों के घर तक जो है अनाज पहुंचा रहे हैं? आज कौन सा दिन है और लगातार कितने दिनों से आप? आज लगभग 13 दिन से बढ़ चुका है, आज 14वां दिन है। यह कार्यक्रम गरीबों को भोजन पहुंचाने के लिए, लॉकडाउन से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, जीवन यापन उनका बाधित है, इसलिए हम लोग उनकी जान बचाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं जी। इसमें हमारे संतोष जी, वीरेंद्र बाबू, ये सुनील बाबू, ये प्रोफेसर साहब आदि बहुत से लोग हैं, जो लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, और जितने भी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता किस्म के व्यक्ति हैं वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये कांग्रेस के जो नेता हैं प्रवीण जी, उसके बाद एक्स आर्मी मैन है संतोष जी, ये सारे लोग अपने अपने इलाकों में सर्वे करते हैं। इन लोगों के द्वारा अपने अपने कार्यकर्ता को रखा गया है, वो कार्यकर्ता दिन में घूमते हैं और जो वैसे निडी व्यक्ति पाए जाते हैं उनकी हम लोग सूची बनवाते हैं और सूची में रात में उनके घर तक अन्न पहुँचाने का काम करते हैं। सर, दिन में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, रात में भी काम, उसके साथ साथ लोगों की सेवा, किस तरीके से इसको आप मेंटेन करते हैं? हम लोग पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं और पुलिस विभाग 24 घंटा ऑन ड्यूटी माना जाता है। इसी के तहत हम लोग अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। ये एक महामारी है, इसमें पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सोसाइटी में है और पुलिस अपने कंधों पर इस जिम्मेवारी को बहुत ही सलीके से निभा रही है। चाहे किसी को अन्न पहुंचाने की हो, किसी मुसीबत में मदद करने की हो, दवा पहुंचाने की हो, या कोई आपदा विपदा आ गया हो इलाज कराने तक की हो, इन सारे कार्यों में पुलिस के द्वारा, जहानाबाद पुलिस के द्वारा काफ़ी सफलतापूर्वक कार्य को किया जा रहा है और इससे जनता को काफ़ी राहत मिल रही है। ऐसा देखने में मिल रहा है कि जनता में किसी तरह का अभी जो एक तरह का रिवेंज की भावना होती है या उतावलेपन की भावना होती है कहीं में नहीं दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी शांतिपूर्वक हम लोग उन लोगों को जो भुखमरी के कगार पर हैं उनको हम लोग चुन रहे हैं, चुन करके अन्न पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त काकू मोड़ पर भी एक दुर्गा मंदिर की ओर से संस्था है, उसको भी हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ भी अन्न की आपूर्ति करवा रहे हैं और वहाँ भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। तो यानी कि इस तरीके से लोगों तक अपने जिम्मेदारी को पहुंचाते हुए जहानाबाद ज़िला प्रशासन और जितनी भी तारीफ़ की जाए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की वो कम है। अपने सहयोगी विक्रमादित्य के साथ मुशर्रफ पालवी।